तो पैसा देंगे। गुप्त गुप्त सूचना मिली कि कहलगांव रेलवे स्टेशन से कछुआ के मीट का तस्करी होने वाला है। हम लोग 5-6 दिन पहले से ही इसको पकड़ने के लिए पीछे पड़े हुए थे। हम लोग RPF को भी बोल दिए थे कि कुछ इस तरह के एक्टिविटी या कछुआ जिंदा या मीट बनाकर ले जाने वाला है, यदि पकड़ा तो हमको इन्फॉर्म करेंगे। तो कल शाम को RPF को पता चला कि कुछ लोग कछुए के मीट के साथ आए हुए हैं और ट्रेन से निकलने वाले हैं। तो हमारे फॉरेस्टर साहब श्री विजय कुमार सिंह, बनक्की श्री प्रमोद शाह, और हाँ हम लोग गए और पुलिस के भी सहयोग थोड़ा मिला। पुलिस के सहयोग से इनको पकड़ा गया। ये तो दो कैदी थे, एक और थे, तो इनका नाम पवन जी है, ये पकड़े गए। और बादल सनी भाग गया, एक और था जो करा कि बिजनेसमैन था, वो भी भाग गया, अंततः ही पकड़ा गया। कितना कछुआ का मांस होगा सर? करीब 50 से कछुए का करीब करीब होना चाहिए। कितना कॉस्ट होगा सर इसका अंदाजे? सर मीट सर बंगाल में कैसे बिकता है सर, तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन कॉस्टली है। कॉस्टली है जी, दवाई बनती है लाखों में। हाँ, लाख रुपया तो हो जाना चाहिए, इसमें संदेह नहीं। प्रतिबंधित है सर इसका? एकदम पूर्णतः प्रतिबंधित है। क्या नाम जी सर आपका? ब्रजकिशोर सिंह नाम है। ब्रजकिशोर सिंह, क्या है आप? रेंज अफसर भागलपुर। थैंक यू सर।